यू गाइज माइट बी वंडरिंग कि मैं कहाँ शूट कर रहा था अभी, तो ये रहा अपना ट्राइपॉड ये। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्रांड न्यू व्लॉग में। इतने दिन हो गए गाइज, ना मैं हेयर कट कराने जा रहा हूँ, ना मैं बियर्ड ट्रिम करा रहा हूँ, तो मतलब मेरे घर वाले भी मुझे पहचानने से ना बोल रहे हैं, ऐसा सीन हो गया अब। तो आज अपन चलेंगे हेयर कट कराने, बियर्ड भी ट्रिम कराएंगे और थोड़े से सेक्सी लौंडे बन के आएंगे। रोज का रिचुअल के जैसा मतलब अपन ने फोर्स स्टार्ट दे दिया गाइस। वैसे सर्विस के बाद से ना ये वाला जो मिरर है ना, ये हिल रहा है पूरा, देख रहे हो, ये ठीक है, ये पूरा ठीक है, ये साला पूरा पूरा हिल रहा है। खैर जो भी है चलते हैं। मैंने लालू भैया को कॉल कर दिया है पहले ही, अब वो बोले कि आ जाओ। वैसे बारिश के मौसम में साला गाड़ी निकालने को मन भी नहीं करता। ये देख रहे हो ना कीचड़, दिख भी कैसे रहा होगा, ये देखो कीचड़, और ये पूरा यहाँ तक कीचड़ उछल जाएगा, पूरा ऊपर तक आ जाएगा फिर, अलग ही सीन है। वैसे बाइक तो है सच्ची। शॉट्स अच्छे हैं गाइस, मज़ा है। सिनेमैटिक लेते लेते गाड़ी मतलब गर्म हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 56 डिग्री। तो अभी सीधा चलते हैं हेयर कट कराते हैं गाइस। तो हेयर कट डन है, मास्टर कट, लालू भैया का दुकान है अपना। तो अभी वापस से ये ठंडा हो गया, इसको गर्म करने रखते हैं, बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, और बैठे हैं अपन। अभी घर जाके आप लोग को दिखाएंगे अपने हेयर कट का रिजल्ट, है ना। तैयार हो देखने के लिए ना सुंदर सा चेहरा, ऐसा कुछ दिख रहा है गाइस। आई नो आई लुक स्मार्ट, नहीं बहुत स्मार्ट हूँ, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एक छोटा सा मतलब डिफरेंस ना, छोटे हेयर और ये मैंने फेड करा लिया यहाँ से, और बियर्ड थोड़ा सा ट्रिम करा लिया, बस इतने चेंजेस से पूरा मतलब फेस का लुक ही बदल जाता है। वो मैं कुछ अलग दिख रहा था, ये मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, तो समझ रहे हो ना। घर आने के बाद मस्त सा शावर लेके जो नींद आई है गाइस, क्या ही बताऊँ आप लोग को, मस्त नींद आई, सो ही गया यार मैं, और ब्लॉग को कंटिन्यू किया नहीं। तो आज अपन माउंट करने वाले थे ना हेलमेट पे, जो हेलमेट की हालत हो रखी है, वैसे मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ, ये देख रहे हो ना, ये मैंने टेम्पररी ऐसे ही चिपका रखा है इसको। तो अभी एमसील लगाते हैं, इसका जुगाड़ ख़त्म करते हैं। अच्छा आप लोग को ये ट्राइपॉड सेटअप कैसा लगा ये बता दो। ये दो चीज़ है ना एमसील का, तो फटाफट मिक्स करते हैं और फिर यहाँ पे चिपका देंगे अपन। पहले तो नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे चिपका के इसको ऐसे इधर चिपकाएंगे या उसको चिपकाएंगे, आप लोग देख लेना वैसे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, उसके बाद जब आप मिक्स करोगे ना कुछ ऐसा कलर आ जाएगा। ऐसा कलर आ जाए तो मतलब समझ लेना कि ये तैयार है। तो इसको अभी अपन चिपकाएंगे सीधा, मैं सोच रहा हूँ हेलमेट पे ही लगा दूँ ना, हेलमेट पे लगा के वो फ्लैट, नहीं नहीं हेलमेट पे जाने दो, इधर ही लगाते हैं क्योंकि एक मार्क बन जाएगा इसका भी। तो इसको एक बार प्रॉपरली स्प्रेड कर देंगे अपन चारों तरफ, और कोशिश करना गाइस कि एग्जैक्ट साइज में मतलब स्प्रेड हो, ऊपर नीचे होगा ना तो फिर बाद में दिक्कत होना है, उसको मतलब वापस से निकालना पड़ेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, इशू हो जाएगा वो बहुत बड़ा। ये साइड साइड से निकलेगा ज़रूर, उसको अपन निकाल देंगे बाद में। मैं एक टेम्पररी बेसिस पे अभी इसको मतलब सेट कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी मतलब हाथ में लेके जो भी एक्स्ट्रा जो रहता है, जब अपन इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना यहाँ पे, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा वो सब निकल जाएगा। तो डर है साला माइक का, जो माइक जो लगा ना उस पर ना चिपक जाए कुछ। तो पहले इसको अलाइन कर देंगे, ये पूरा मतलब स्ट्रेट रहना चाहिए, तो मैं इधर से देख के कर लेता हूँ एक सेकेंड इसको। यही बेंड हो रखा है पहले, तो ये शायद से कुछ ऐसे स्ट्रेट है, मेरे हिसाब से ये एंगल सही रहेगा,
चलो तो मैंने अपना एंगल बना लिया गाइस कुछ ऐसा, तो अभी इसको मैं यहाँ पे सेटल डाउन कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को वीडियो में दिखाता हूँ। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो अपना एलसील बैठ चुका है, मतलब अभी सूखने के लिए छोड़ देंगे उसको, कहीं पे रख देंगे जहाँ कि ये आराम से सूख जाए। गाइस आप लोग ने जैसा देखा ये था अपना 10 रुपये का मोटो व्लॉग सेटअप, समझ रहे हो, 10 रुपये का एलसील हेलमेट वगैरह तो अपने पास पहले से है, मतलब अगर चाहे आपको अगर चाहिए तो वो जो माउंट होता है चिन माउंट करके एक आता है, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक मतलब वो माउंट भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे वो कुछ कॉस्ट करता है 150 के आसपास, मुझे वो मतलब ठीक लगा नहीं है, सेफ नहीं लगा, इसीलिए मैंने हेलमेट में परमानेंट माउंट कर दिया, क्योंकि वैसे भी चाहिए यार अपने को, उसको उतारना नहीं है, तो ठीक है जो भी है अपना हो गया। तो आप लोग का मतलब रिस्पॉन्स मैंने देखा, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आ रहा है गाइस। मैं सोच रहा था इस चैनल में यूट्यूब मतलब ये चैनल बंद कर दूँ, दूसरा चैनल बना लूँ, जो भी है फलाना ढिंग का पता नहीं, लेकिन जो मतलब 2 दिन में मुझे प्यार मिला है भाई, चुम्मा हो आप लोग, चुम्मा कत्ते ही चुम्मा। गाइस अपन 1000 सब्स के बहुत करीब हैं, रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्स पे कुछ स्पेशल वीडियो लाएंगे अपनी तरफ से, कुछ मतलब कर सकते हैं, सोचा है कुछ प्लान हो रखा है तो वो करेंगे। फटाफट सब्सक्राइब कर दो, फैला दो वीडियो को, 1000 सब्स कंप्लीट कराओ गाइस, 900 ऑलमोस्ट 900 सब्स हो गए हैं, मैं अभी जस्ट लास्ट देखा था 896 सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स क्या बोल रहा हूँ, 896 फैमिली मेंबर अपने साथ जुड़ चुके हैं, 1000 लोगों का अपना फैमिली चाहिए अपने को अभी, मतलब एक महीने क्या मतलब जितने जल्दी हो जाए, मैं तो टारगेट लगा के चल रहा हूँ 1 महीना, क्योंकि भाई 100 सब्सक्राइबर भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समझ रहे हो ना यार छोटे यूट्यूबर्स का क्या कर सकते, तो जो भी है सब्सक्राइब कर दो, फैला दो वीडियो को। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड फास्ट, राइड हार्ड बट सेफ, हाँ, पीस दे आउट एवरीबॉडी।